हेलो फूडीज, वेलकम टू होम मेड कुकिंग शो का वीडियो लेके आ गए आप लोगों के लिए। आज हम लोग बनाने वाले हैं फलियारी आलू या फिर व्रत वाले आलू। सो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को चाहिए, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो यहाँ हमें थोड़े से बॉइल्ड पोटैटोस ले लेने हैं, उसको हमें पील आउट कर लेना है। पील आउट होने के बाद हमें अपने आलू को ना कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, सिर्फ 4 कट्स लगाने हैं आलू में हम लोग को। नेक्स्ट हमें 2 टमाटर लेना है, 3 हरी मिर्च ले लेना है और इनको हमें फाइन चॉप कर लेना है। नेक्स्ट एक पैन लेना है, पैन में हमें 1 चम्मच घी डालना है और उसमें हमें अपने रोस्ट करने हैं पीनट्स। पीनट्स मेरे ऑलरेडी रोस्ट है तो मैंने हल्का सा गर्म करने के लिए इसको यहाँ पे डाला था ताकि घी का स्वाद इसमें बहुत अच्छे से आ जाए। तो अगर आपके रोस्ट ना हो तो आप घी में इसको रोस्ट कर लेंगे। सो नेक्स्ट हमें एक कढ़ाई ले लेनी है, कढ़ाई में हमें डाल देना है 2 चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद हमें इसमें डाल देना है 2 साबुत लाल मिर्चा और 1/2 चम्मच इसमें डाल देना है हमें जीरा और हमें इसको थोड़ा सा चला लेना है। नेक्स्ट हमने जो टमाटर और ग्रीन चिली कट करके रखा था उसको डाल देना है। पहले हमें ग्रीन चिली डालना है, ग्रीन चिली को हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब हमें टमाटर ऐड कर देना है इसमें। सो टमाटर में हमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर लेना है और हमें अपने टमाटर को अच्छे से चला लेना है जब तक वो गलने न लग जाए। अब हमें अपने कढ़ाई को लेट से कवर कर देना है। सब हम अपनी लेट हटा के एक बार देख लेंगे हमारे टमाटर गलने स्टार्ट हो गए कि नहीं हो गए हैं। सो हमारे टमाटर ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, बस हल्का बहुत जो बाकी है उसको हमें थोड़ा सा सॉटे कर लेना है। सो टमाटर होने के बाद अब हम इसमें आलू ऐड कर लेने हैं जो हमने पहले से चॉप करके रखे थे। हमें अपने आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। सब हमें थोड़ी देर अपने कढ़ाई को लिड से कवर कर देना है। सब हम अपने आलू में थोड़ा सा नींबू ऐड कर लेंगे। नींबू आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि मेन स्वाद इसमें नींबू का बहुत अच्छा इन्हेंस होके आता है। और नींबू डालने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा डाल देना है हरी धनिया। बस हमें सबको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। सो हमारा आलू अब रेडी है, फ्लेम ऑफ कर लेंगे, हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। सो आलू ट्रांसफर होने के बाद हमने जो पीनट सॉस करके रखे थे पहले, हमें अपने आलू में ऊपर से ऐड कर लेना है। तो पीनट का स्वाद बहुत बढ़िया आएगा तो पीनट जरूर से ऐड करिएगा आप भी। तो हमारे व्रत वाले आलू रेडी हैं, अब इसको एंजॉय करिए अपने नवरात्रि व्रत में या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।